आज हमारे साथ आ गया सार्थक वंस अगेन, बहुत भौगाली पेशे करते हैं और अभी हम छत पे पहुंच चुके हैं फुल तैयारी के साथ। सार्थक पतंगे भी आए हैं और कुछ पतंगे यहाँ पड़ी है, मान जी अपने ये सेट सारे। बाकी तो गाइस मौसम बहुत जबरदस्त हो रहा है भाई साहब, देख सकते हो ऐसा बिल्कुल बारिश वाला मौसम है और उसके साथ साथ तूफानी हवा चल रही है। ये देखो सारी पतंग ऐसे चल रही है, आज तो भाई मंझोली वाला सीजन है, अद्धी पौने लड़ाना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि इतनी तेज हवा है, कम से कम नहीं तो 16 की और हवा चल रही है इस साइड की। और इसको देखो ये पीछे से कैप्चर कर रहा है, इसको ब्लर कर दूंगा मैं बिल्कुल एडिटिंग के टाइम पे। चलो गाइस बिना किसी देर के वीडियो करते हैं शुरू। बहुत अल्टीमेट चल रही है मौसम, जैसा देख सकते हो बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रहा है और ऊंची ऊंची पतंगे कट के जा रही है भाई फुल दौरम दौर। बाकी चलो मैं आपको आज आपका स्टाइल सिखाता हूँ। बाय द वे आज जो मैं मांझा यूज करने वाला हूँ वो है निंजा, जो कि 1 साल पुराना है। अब जो लोग पूछते हैं मुझसे कॉमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे कि भैया मांझे को रखने से क्या होता है, देखो भाई सबसे पहले तो देखो इस डोर ये रोल के डोर देखो आप, बल खुली डोर है और इसका जो मसाला है ना वो बिल्कुल सेटल हो चुका है फुल स्मूथ। तो 1 साल तक हमने इसको रखा हुआ था तो उससे इसकी डोर की क्वालिटी बहुत बढ़िया, हालांकि मैं इसको बचा के रखने वाला था लेकिन ये थोड़ा सा ही बचा है तो आज सोच रहे हैं हम इसको पार करके ख़त्म करें और अपना जो रेगुलर निंजा हम उड़ा रहे हैं। अब इस निंजा को जूम करके दिखाओ, इसमें आपको पर्पल कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, बिल्कुल मल्टी कलर दिख रहा होगा। तो ये बारिश में बनी हुई डोर है और ये थोड़ी फ्रेश डोर है, इसको मतलब विद इन अ मंथ ये मैन्युफैक्चर हुई है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, इसको थोड़ा पैक करके रखेंगे, कुछ टाइम बाद उड़ाएंगे, जैसे अभी 5-6 महीने बाद जयपुर जाने वाले तब इसको लेकर जाएंगे। तो गाइस एक चीज़ और, हमने ओसवाल अपनी रिफिल करा ली है नंबर 3। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे नंबर 4, नंबर 3 एंड नंबर 8 में क्या फ़र्क है, नंबर 8 पतली होती है, नंबर 3 मीडियम होती है, नंबर 4 बहुत मोटी होती है, छतों के लिए नंबर 3 बेस्ट है। इस पर डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। उसके अलावा मैं आपको फटाफट पतंगे दिखा देता हूँ। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो सारी अद्धी होने वाली हैं और ये काफ़ी सारी पतंगे इसमें से मुझे सैंडी भाई ने अरेंज कराई, देख सकते हैं इंडियन कैस्टर शिखर, ये रही अद्धी, ये एक और अद्धी, उसके अलावा ये मुरादाबाद की पतंगे हैं, ये भी मुरादाबाद की है साहिल काइट मेकर की, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हो ये भी बहुत अच्छी पतंगे हैं मल्टी कलर, देन ये देखो ये तो जबरदस्त पतंग है लाल भैया, तो बहुत अच्छी चलती है। बाकी कुछ पतंग यहाँ पे पड़ी हैं, कुछ पतंग ये पड़ी हुई देव ने अपना साइड कर रखा है, शायद ये उड़ाएगा। बाकी गाइस चलो बिना किसी देरी के आपको ले चलते हैं आसमान में। गाइस डोर डोर पतंग कट के जा रही है यार, ये हमारे तरफ आने वाली थी और बहुत डोर है इसमें, और देखो डंडा लेकर रेडी हो गया भाई, लेकिन ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गई और ये वहां से डोर जा रही है। अब तो गाइस पतंग पे बांध दिया करने, टेपिंग भी कर दी है और भाई देखो मंजा थोड़ा सा बचा, लेकिन इस मंजा का जो टेक्सचर आ रहा है ना बहुत अच्छी मिटा रहा है, फटाफट पतंग को पार करते हैं फिर आपको ओ हो पतंग पतंग की क्वालिटी चेक कर। ओ हो हो ये लवली पतंग है भाई, लवली हो गई है बिल्कुल, तो भाई धूप में रखने का आप रिजल्ट देखो। अरे वाह अरे अपनी कहाँ गई यहाँ, ये भाई टंकी अट रही है यार, पतंग देखियो कुछ तो कितनी बड़ी पतंग उड़ाया है, बहुत बड़ी उड़ा रहे हैं, अच्छे बड़ी पतंगे ओ लेगे 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 ऐसे क्यों दे रहा है जी, जाएगी लेके टक जी जाएगी पता था। एक सेकंड गाइस, सोए अंकल ने सत्ती भी नहीं मानने दी हमें और इसमें मैं खींच तो मार सकता था नहीं, मुझे ढीली देनी पड़ी और खींचता हुआ ले गया भाई, दिखा तो मैं कौन है वो भाई यार, अरे हटू मेरे को कुछ दिखा दो यार, आप बीच में हट, इतनी बढ़िया पतंग चली गई यार, हट भाई 3x में देखो वो जो अंकल दिख रहे हैं ना, सत्ती बांध रहे हैं, शांत एक सेकंड शांत गए, वो जो सामने अंकल दिख रहे हैं ना उन्हीं ने काटी है, बहुत अच्छे हैं बराबरी के भैया के, बिल्कुल आया ना बराबरी के हैं भाई, खींच बहुत अच्छी मारते हैं और टैलेंटेड है भाई पतंगबाजी में, बहुत दूर दूर पे चलाते हैं और भारी भारी पतंगे, इनका वो होता है ना कुछ बंदे भारी जो लाते हैं और खींचते ले जाते हैं, मौज के तरीके अभी कटवाएंगे भाई, नीचे वाली पतंग हमारी है ऊपर वाली अपोनेंट की, वो जो मैंने अंकल दिया थे उन्हीं की, और जो अंकल ले गए चलो
काट दी, बेहतरीन पेज काट दिया भाई, मजा आ गया गाइस। काइटाइजम इज अप्रोप्रिएट, भाई इतनी बड़ी पतंग थी उसकी भाई, इतनी बड़ी भाई, आराम से ले गए गाइस। ये जारी कट के, ये जारी कट के इनका पेज लगा रहे कट गया बीच में। अगर इसमें अरे पीछे का ये देख सकते हैं हम बहुत पीछे थे। पतंग के छोड़ रहा है पतंग का पीछे तो अरे रुक जा रहा है भाई, तू कटवाएगा देख हंड्रेड परसेंट कह रहा है। अगर तूने ऐसे डाल दी ढील पे 100% दिए उसके कन्ने काट दिए। तो भाई लेफ्ट वाली पतंग सार्थक की है, वो लग गए लग गए लग गए चले भाई, ये तो छूते ही लगा दिया हमारी। देखो चला वो काट दिया, काट दिया। देख रहा कितना सही पेज बना, मजा आ गया ऊपर से रख के। एक अपोनेंट और आ गया गाइस, पतंग जा चुके कम से कम 400 मीटर 500 मीटर के समथिंग, और थोड़ी सी ना उतारूंगा क्योंकि डोर हमने मांगा इस हिसाब से मांगा है। एक और आ गई, ओ भाई पूरी डोर चला, अरे डोर, अरे डोर गई भाई, गई कहां डोर, अरे पकड़ ली यार, पकड़ ली यार भाई, कितना प्यारा पेज बना ये। तो गाइस वापस से मैंने उसकी तरफ रखी, हवा उस साइड की है, पतंग उसकी खड़ी हुई थी, कल भी हमारे साथ ये दिक्कत होती थी, उसकी खड़ी पतंग में हम ढील दे रहे थे, कट जा रही थी हमारी, लेकिन आज तो भाई साहब कोई दूर दूर तक हमारे को नहीं कर सकता। तो गाइस देख सकते हो आप पुरानी डोर रखने वाले बड़ी पतंग लेके, ये ऊपर वाली पतंग, ये सॉरी जो राइट साइड वाली पतंग गाइस हमारी है, मेरे को भी तो बोलने दो, खींचवा दो। भाई अंकल है ना, जल्दी स्पीड दिखाओ, क्योंकि कटती नहीं है इनके पतंग, इसलिए इनकी स्पीड कम है, मेरी स्पीड दे दे क्योंकि मेरी कटती रहती है। पेज बन गया है, ये वाला अपोनेंट है, ये वाली पतंग है, और अब खींच तो लेके जाएंगे भैया, ये वाली अपनी पतंग है। मेरा ये काम नहीं है भाई, मेरे वीडियो बनाने का गाइस पतंग काट दी उन्हीं अंकल की, गाइस दिखा 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 कैमरा दिखाओ। तो गाइस यहां मेरे सद्दी हाथ में सद्दी रुकी, जैसे ही मैंने रुका माउस में भाई खींचता हुआ ले लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, पतंग ऐसे कट दी बस, ओके रिपोर्ट। अरे वहां से सब्सक्राइबर चिल्ला रहे हैं ओरा झुंडो भाई, स्पेस चल रहा है बहुत बेहतरीन, ये घूम रही है जो पतंग सार तक की है, इसको हमने ठीक करने की कोशिश की लेकिन हमसे ठीक नहीं हुई। देखो घूम रही है जो पतंग, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो घूम रही है वो सार्थक की पतंग है। ओ अबे लटक गई, अबे अभी तो कटवाएगा ऐसा लग रहा है मुझे भाई, जो सिल्वर वाली पन्नी की पतंग है, अबे खींच रहा है वो वो एक और। ओके जैसे मैंने कैमरा बंद किया वहां पे सार्थक ने एक और काट दिया, देखो नीचे कट के जा रहा है भाई, ये तो यार लड़ी लगा दी भाई। चल वे पतंग में स्ट्रेंज चीज हुई, इसमें सिर्फ यहाँ घुटाई हुई, ना यहाँ पे कोई जोड़ है ना कुछ, लग रहा कोई शुरू करने वाला था घुटाई फिर वो भूल गया। कैसी है पतंग उड़ाने वाले हैं, चलो गाइस पार करते हैं। आप
परोठा चल भाई बो काट दी भाई काट दी चलो अगले पे चलते हैं। देव अपनी बतंगड़ा लग गए मारी। क्या कर रहा था खींच मार रहा था मैं तो फिर सीधी खींच मारी उसने शायद मुड्डा अंदर की तरफ रख गया था इसलिए कट गया। गाइस बहुत भयंकर तिरंगा कट के आ रहा है इसकी डोर हो बस ये देखो ये देखो ये रहा डोर कहाँ है इसकी इस डोर ढूंढ रहे हैं हम इसकी कोई डोर नहीं है इसकी भाई। और ये देव का पेज चल रहा है ये देख सकते हो लेफ्ट वाली पतंग देव की है राइट वाली अपोनेंट की। चल देव क्यों बेइज्जती करवाया अरे चल ना काट मार दे मार दे मार दे चल खींच अरे रोक क्यों रहा है यार देख भाग गया वो तेरे बस की नहीं है छोड़ दे भाई इतना प्यारा पेज बना था। गाइस देव बहुत अच्छी पतंग उड़ा रहा है थोड़ी गाली खाएगा तो सीखेगा और वो पन्नी वाला भाग रहा है पेज उड़ा नहीं पा रहा वो अरे देव उसके नीचे ले जा पहले और एकदम खींच दिया झटके से बहुत बढ़िया चल 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 चलता चल चलता चल चलता रुकना नहीं यार अबे फिर रुक गया गाइस ये फंस के लड़ गए पेज पैक काट दी बो इसे पता ही नहीं है इसको पीछे देख रहा है पता नहीं कहां दे रहा हूं पीछे देख रहे हैं। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो होप करता हूं आपको मजा आया होगा। तो गाइस आज जो पुरानी हमने डोर लड़ाई उसका इतना प्यारा रिजल्ट निकल के आया ना तो अब आपको समझ आ ही गया होगा जो नई डोर और पुरानी डोर में क्या फर्क होता है। हालांकि आजकल का जो डोरों का पैटर्न है जैसे लायन हो गया वो रेडी टू यूज है कि मार्केट में बनी अड्डे से उतर के आई चरखड़ी में बंदी और सीधी पार कर दी लेकिन अगर आप उसको भी रखोगे तो उसका रिजल्ट और बेटर हो जाएगा। चलो गाइस होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी ऐसे ही रेगुलर वीडियो के साथ हम 15 अगस्त तक आते रहेंगे तब तक के लिए बाय। Exit from my life, an X.